कहाँ से आए आप? मैं कोपरगांव का हूँ। अच्छा, कोपरगांव के हैं, जहाँ आप खड़े हैं। हाँ। आपको शुभ नाम? नाना साहब का नाम। नाना साहब, आप कई बार जा चुके होंगे शिरडी? तो शिरडी अच्छा है, भगवान का है वो, भगवान सब कुछ मिलता है भगवान के वहाँ। क्या क्या मुराद पूरी होती है? पड़ता उधर गया तो। अच्छा, कुछ मांगना नहीं पड़ता? हाँ, कुछ बाबा अपने आप देते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मनोहरलाल। मनोहरलाल जी, आप इस शिरडी में पाव भाजी का आपका स्टॉल है। हाँ जी। कितने सालों से यहाँ पर लगा हुआ है? 35 साल हो गए जी। 35 साल हो गए। हाँ जी। तो आप कहाँ से आए हैं बेसिकली? नंगल को। नंगल यानी कि पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। आप जो पाव भाजी बनाते हैं, भाजी में क्या क्या आइटम होती है, सब्जी कौन कौन सी होती है? बंद गोभी है, टमाटर है, आलू है, शिमला मिर्च है, प्याज है, सब चीजें मिक्स है जी। अच्छा, तो यहाँ के जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से जो लोग आते होंगे, तो आपसे परिचित है वो? सबसे पहचान है जी। अच्छा अच्छा, पाव भाजी आपकी यहाँ पर मशहूर है यानी कि? मशहूर है जी, एक नंबर। फोन कर लेते होंगे पहले लोग? हाँ जी, सब फोन करके चलते दिल्ली। कितने बजे से कितने बजे तक स्टॉल लगाते हैं आप? शामी 5 बजे से रात 12-1 बजे तक। अच्छा, आपकी पाव भाजी में ऐसा क्या है जो दूसरी पाव भाजियों से अलग है? क्वालिटी हमारी अलग है जी, मसाले अलग है हमारे। अच्छा, मसाले में स्पाइसी मसाले हैं या हल्के मसाले? हल्के भी मिल जाते हैं, स्पाइसी भी मिल जाते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा। पाव भाजी को कौन लोग पसंद ज्यादा करते हैं? बड़ी उम्र के लोग करते हैं या बच्चे पसंद करते हैं? बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं जी। अच्छा, बड़ी उम्र के भी बच्चे पसंद करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? रामदास कुमावत। रामदास कुमावत। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? बाबा के लिए आए हैं, शिरडी में बाबा के दर्शन। अच्छा, होली के दिन आए थे आप? पहले आए हैं? पहले आए थे। पहले आए थे। कितने दिन का टूर रहा आपका? 3 दिन रहे। क्या महसूस हुआ आपको बाबा का दरबार? यहाँ आपने क्या क्या देखा बाबा के दर्शन के अलावा? माता देखा है, दवाखाना देखा है, सब देखा है, माता जी का सब पूरा देखा है, बाबा जी का। आप फैमिली के साथ आए, अकेले आए, कैसे? फैमिली के साथ आए हैं। हाँ जी सर, आपका परिचय? शिरडी से धीरज लोढ़ा। धीरज जी, आज गुरुवार में शाही पालकी निकली है, तो हर गुरुवार को निकलती है, आज होली का दिन भी है, कितनी भीड़ आई होगी आज शिरडी में? आज करीबन 2 लाख भीड़, 1 से 1.5 लाख तक भीड़ होगी। अच्छा, तो इतने सारे श्रद्धालु एक साथ अगर आते हैं तो व्यवस्था में कोई दिक्कत तो नहीं होती, समस्या तो नहीं होती? इससे 5 और 10 लाख गया तो भी कोई समस्या नहीं होती, व्यवस्था कर रखी हुई है। अच्छा, 5 दिन बाद रंग पंचमी है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे उस दिन शिरडी में? शिरडी में रंग पंचमी की शुरुआत पहले दिन से हो जाती है, वह श्रद्धालु भक्तगण आने चालू हो जाते हैं। उस दिन बाबा की पूरे गांव में से जुलूस निकलता है, उसके अंदर बाबा शोभा यात्रा करना चाहिए बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जुलूस निकल जाता है, उसके अंदर बाबा को रंग पंचमी सब कुछ गाँव वाले भी खेलते हैं और बाबा को भी रंग से खिलाया जाता है। उसके बाद में बाबा की मिरौनक होने के बाद में बाबा की फोटो समाधि मंदिर आती, फिर वह शाम की आरती होती है। साईं बाबा खुद फाके में रहते, गरीबी में रहते, बहुत वैसे रहा था, आज बहुत समय बदल गया, आज बाबा पूरे ठाट बाट से रहते हैं। बाबा के भक्तगण बढ़ गए, बाबा ने जैसा रखोगे मैं वैसा रहूंगा, बाबा ने बोला। अच्छा, यानी कि ये भक्तजनों ने किया है ऐसा कि उनको क्या? रमनी है, हाँ। बेंगलोर का रहने वाला बिजनेसमैन। अच्छा अच्छा, उसने बाबा को एक गोल्ड का 110 किलो दिया हुआ है 2011 में। तो जो शिरडी संस्थान है, साईं बाबा संस्थान है, चैरिटी भी करते हैं क्या कोई? करते हैं, हर चीज़ में चैरिटी है उनकी। अच्छा, हर चीज़ में। अब पिछले साल जैसे केरला में पूरा बाढ़ आ गया था तो उन्होंने 2000 करोड़ रुपया दिया, यहाँ के आजू बाजू के सब रास्ते उन्होंने बनवाए, पालकी के लिए अलग से रास्ते बनवा रहे हैं, सब कुछ जो करवाए, यहाँ की जो रामनवमी का उत्सव जो होता है उसमें गाँव वालों को मदद करते हैं, यहाँ का जो साफ सफाई का जो अभियान है उसमें सब ट्रस्टी मदद करता है शिरडी नगर पंचायत की, हर चीज़ में उनका ही। धन्यवाद।